मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते विधायक के तौर पर कहे जाने वाले भागलपुर के गोपालपुर से विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने एक और करतूत कर डाली। इस दफे उन्होंने पत्रकारों को कैमरे पर ही गाली गलौज तक कर डाला। ये सब कुछ पटना के जेडीयू हेडक्वार्टर में हुआ। दरअसल गोपाल मंडल यहां आए हुए थे, ऐसे में पत्रकारों ने उनसे अस्पताल में रिवाल्वर लेके जाने पर कुछ सवाल पूछे। इन सवालों का गोपाल मंडल जवाब दे रहे थे जो पत्रकारों को हजम नहीं हुआ। उनसे काउंटर सवाल पूछा गया तो गोपाल अपने असल रूप में आ गए और उन्होंने मुंह से गाली की बौछार शुरू कर दी। पत्रकारों को पहले गोपाल मंडल ने कहा कि अरे यार तुम लोग पत्रकार हो, हमको मुश्किल लगता है। इस पर पत्रकारों ने कहा कि आप विधायक हैं, एक विधायक को पिस्टल लहराना शोभा देता है क्या? इस पर गोपाल मंडल गरम हो गए और कहा कि हाँ लहराएंगे लहराएंगे, तुम सब मेरा बाप हो क्या? जब पत्रकारों ने उन्हें गाली देने पर पूछा कि जदयू में यही सिखाया गया है, तो फिर गोपाल मंडल के मुंह से गालियों की बौछार शुरू हो गई। आप ये पूरा वीडियो देखिए। विधायक को ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा? हाँ हाँ लहराएंगे। अच्छा तुम लोग हमारा बाप हो सर, आप गाली दीजिएगा क्या? अरे पिस्टल माता भी हो है मेरे पास। अरे चलो चलो उधर चलो ना भाई, यहाँ अरे पिस्टल माता भी हो है मेरे पास, दिखावे दिखावे पिस्टल, अभी भी पिस्टल। क्या कहना चाहते हो? अस्पताल में पिस्टल लेके क्यों रखते हैं विधायक जी? अस्पताल में हाल में आके लेके चले यार, क्या जरूरत है? सवाल नहीं, हम जैसे है ना बेल्टवा हम छूट गया, रिवॉल्वर ले लिए तो वो ये पैजामा में रखे, जैसे सीढ़ी पर कदम रखे ना तो वो हुआ क्या? ऐसे रखेगा यार? अरे यार तुम लोग पत्रकार हो क्या हो? हमको मुश्किल लगता है, हम इसमें कमर में रखे जैसे विधायक को ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा? हाँ हाँ लहराएंगे। अच्छा लहराएंगे लहराएंगे, तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? सर आप गाली दीजिएगा क्या? जदयू में ट्रेनिंग दी जाती है क्या? ज्यादा बदमाशी करो नहीं, हम बता दें क्या बताइएगा? अरे इस तरह से धमकी क्यों दे रहे हैं? जदयू का यही संस्कृति है क्या? गाली देने की ट्रेनिंग किसने दी विधायक जी? गाली की ट्रेनिंग किसने दी? जदयू में गाली की ट्रेनिंग दी जाती है क्या आपको? गाली की ट्रेनिंग दी जाती है क्या विधायक जी? जदयू में गाली सिखाया जाता है क्या? जदयू में गाली देना सिखाया जाता है क्या? पिछले दिनों गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में हाथ में फिल्मी अंदाज में पिस्तौल लहराते नजर आए थे। इतना ही नहीं, ऑपरेशन थिएटर तक वो अपने पिस्टल को लेकर चले गए थे। पत्रकार के द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राजनीतिक सरगर्मी तेज है और मेरे कई राजनीतिक दुश्मन हैं, इसके चलते मैं इस तरह से हाथ में पिस्तौल लेकर घूम रहा हूं। वहीं इसको लेकर भागलपुर के एसएसपी ने कहा कि इस तरह से खुलेआम सरकारी पिस्टल जिसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, खुलेआम लहराना कहीं से सही नहीं है। इसकी जांच के लिए सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी को सौंपा गया है। वहीं इस विषय को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। जल्द जिलाधिकारी के निर्देशानुसार विधि संवत उचित कार्रवाई की जाएगी। वो जो माननीय विधायक श्री गोपाल मंडल के बारे में एक वीडियो जो वायरल हो रहा था, उसकी जांच एसडीपीओ सिटी श्री अजय कुमार चौधरी के द्वारा कराई गई और उसमें ये पाया गया कि जो हथियार वो उनके हाथ में था वो सरकारी हथियार है, उसका उनको शस्त्र लाइसेंस निर्गत है और इसमें जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं जिला पदाधिकारी होते हैं, तो उस रिपोर्ट को अग्रतर कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी भागलपुर को अग्रसारित किया गया है और अब जो भी कार्रवाई होगी उनके स्तर से होगी। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने भी विधायक गोपाल मंडल के पिस्टल लहराने को लेकर कुछ भी बयान देने से बचते दिखे। हालांकि उन्होंने पत्र जारी कर विधायक गोपाल मंडल के लाइसेंसी पिस्टल पर जांच कमेटी गठित कर जांच करने की बात कही।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार में सिपाही भर्ती की परीक्षा के पहले ही प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका की उपलब्ध कराने वाले एक किंगपिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त कजरेली थाना के गौरा चौकी का रहने वाला रंजीत कुमार है। उसके पास से 4 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी मिले हैं। तिलकामांझी पुलिस ने गुरुवार को अपने बयान पर रंजीत से बरामद प्रवेश पत्र के आधार पर 4 अभ्यर्थियों को भी मामले का नामजद अभियुक्त बनाया है। इसमें सबौर के चंदेरी का अभिनव कुमार, सिमना चटिया परशुरामपुर निवासी कुंदन कुमार, फतेहपुर नवटोलिया निवासी रोहित कुमार और मुंगेर के सिंघिया निवासी विक्रम कुमार शामिल है। तिलकामांझी थाना अध्यक्ष SI सुशील राज ने बताया कि अभियुक्त रंजीत के पास से उसका मोबाइल भी बरामद किया गया है, जिसका उपयोग उसने प्रश्न पत्र लीक करने के लिए इस्तेमाल किया था। सख्ती से पूछताछ पर उसने बताया कि प्रश्न पत्र लीक करने के बाद जिन लोगों को प्रश्न पत्र भेजा था उनके सारे मैसेज और कॉल लॉग को उसने डिलीट कर दिया है। इधर पुलिस ने उसके मोबाइल को जाँच के लिए तकनीकी सेल को सौंप दिया। मोबाइल के माध्यम से आरोपितों को पुलिस दबोच सकती है, वो उस दिन हाथ नहीं लगा। 4 अक्टूबर की देर शाम DIU सेल ने इसके बारे में पता व जानकारी दी। उसके बाद देर रात कजरेली के गौरा चौकी गांव से रंजीत कुमार को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में संलिप्तता स्वीकार भी कर ली है। वहीं भागलपुर SSP आनंद कुमार ने पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के पास से अन्य लोगों के नंबर और पैसे की लेन देन की जानकारी मिली है। गिरफ्तार आरोपी के मोबाइल से कई वैज्ञानिक प्रूफ मिले हैं, साथ ही वह अन्य किन किन परीक्षा में शामिल हुआ उसकी भी जांच चल रही है। देखिए, इसमें 1 तारीख को जो सिपाही भर्ती परीक्षा थी उसमें भागलपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल अभी तक 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई और 10 प्राथमिकी दर्ज हुई। उन 13 में 11 परीक्षार्थी हैं जो कि कुछ नकल करते हुए पकड़े गए और कुछ के पास से कुछ ब्लूटूथ डिवाइसेस बरामद हुआ, और इसके साथ ही साथ 2 और व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। एक की गिरफ्तारी खरीक से हुई थी पहले और एक की गिरफ्तारी कल हुई है, कजरेली थाना क्षेत्र का रहने वाला है रंजीत, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और उसका जो मोबाइल जब्त हुआ है उससे भी बहुत सारे वैज्ञानिक साक्ष्य हम लोग को प्राप्त हुए हैं, उस पर पुलिस काम कर रही है। और इन जितने कांड दर्ज हुए हैं इनमें से 9 कांडों का जो अग्रतर जो अनुसंधान होगा वो जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है उनके द्वारा किया जाना है, वो टेक ओवर कर लेंगे और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा वो UE के द्वारा इसमें किया जाएगा। ये 2 जो ये जो अब बहुत डिटेल में, चूँकि ये अनुसंधान का विषय है तो मैं बहुत सारी चीज़ें साझा नहीं कर सकता, लेकिन इससे बहुत सारे लोगों के जो अभ्यर्थी थे उनकी जानकारियां मिली हैं और कुछ पैसे का भी लेन देन के बारे में पता चला है, जिस पे हमारी टीम काम कर रही है। और इसका जो पूर्व का जो इतिहास रहा है वो कैसा रहा है, किस किन और परीक्षाओं में अगर इसकी कोई संलिप्तता रही है तो उस पर भी हम लोग जाँच करें। भागलपुर में ऑपरेशन मुस्कान काफी सक्रिय दिख रहा है। भागलपुर जिला पुलिस इस पर सक्रियता से काम करते हुए कई महीनों पहले के भी मोबाइल को बरामद कर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। अभी तक 13 थानों के अंतर्गत 17 मोबाइल जिसकी लागत तकरीबन 3 लाख रुपए है उन्हें जब्त कर जिनके मोबाइल खोए थे उन्हें बुलाकर सुपुर्द कर दिया गया। इसको लेकर आज CT DSP अजय कुमार चौधरी ने बताया कि हम लोगों का ऑपरेशन मुस्कान काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। हम लोग इस ऑपरेशन के तहत लोगों के खोए मोबाइल को वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर ट्रैक कर मोबाइल को
अपने जिम में लेते हैं, उसके बाद जिनके नाम से मोबाइल रजिस्टर होता है उन्हें मोबाइल पर कॉल करके बुलाया जाता है, फिर उन्हें मोबाइल दिया जाता है। अभी तक 13 थानों के अंतर्गत 17 मोबाइल जिनकी लागत तकरीबन 3 लाख रुपए है उसे बरामद किया गया है। वहीं उन्होंने लोगों से भी अपने मोबाइल को हिफाजत से रखने की अपील की। देखिए, भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार अच्छा कार्य किया जा रहा है और लगातार ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले भर में जितने भी मोबाइल खोए हुए हैं या चोरी की घटनाएं हुई हैं उसमें जो भी मोबाइल बरामद करने की जो प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है, पुलिस के द्वारा तत्परता से किया गया है और लगातार हम लोग ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोबाइल हम ऐसे लोगों को जिनका खोया उनको हम लोग बांटने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में आज ऑपरेशन मुस्कान के तहत करीबन 17 मोबाइल को 13 थाना से, जिसमें थाना में सनहा दर्ज था, वहाँ से हमने करीबन 2,44,330 मूल्य का मोबाइल आज हम लोगों ने DIU की टीम के माध्यम से, कोतवाली थाना अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे, सबके माध्यम से हमने उसका वितरण कराया है। क्या अपील करेंगे आम लोगों से अगर मोबाइल उनका छिनतई हो जाता है, चोरी हो जाता है? आम लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि वो अपने मोबाइल का सुरक्षा रखें और अगर कोई इस तरह की घटना होती है तुरंत पुलिस को सूचना दे। पुलिस हमारी टीम लगातार काम कर रही है, पुलिस तुरंत उस पर CCTV और टावर डम के माध्यम से खोजने का पूरा प्रयास करती है, कर भी रही है और उसको लोग वापस। ऐसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? मैं तो बहुत आज खुश हूँ और जिस दिन हमारी मोबाइल चोरी हुई तो हम तो इसका मतलब कि जो है कि आशा ही छोड़ दिए थे। और जिस चोरी हुई थी? नाथ नगर मैंने जो है आज से करीब 4 महीना हो रहा है, तो नाथ नगर मेरे मतलब काउंटर से चोरी किया गया था और हम जिस दिन चोरी हुआ उसी दिन हम दूसरा मोबाइल खरीद लिए, चूँकि हमको विश्वास ही नहीं हुआ और भरोसा ही उठ गया था कि हमें कोई मोबाइल मिलेगा, इसलिए जो है कि हम जो है, लेकिन आज बहुत खुश हैं और हम मतलब जो प्रशासनिक पदाधिकारी गण को, टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं क्या कहूँ, क्या नाम है? महेंद्र प्रसाद सिन्हा, नाथनगर। क्या कहेंगे प्रशासनिक अधिकारियों को? उसका मोबाइल सर 10 महीने से खोए हुए थे, लेकिन हम लोग ना उनका आशा ही छोड़ दिए थे कि अब वो नहीं मिलेंगे, लेकिन 4 दिन पहले हुआ कि नहीं मोबाइल मिलेगा, उसके बाद आज जो है हम आए और पुलिस अधिकारी और सब बड़े मोबाइल घर से कुर्सी पर से सर घरे से चोरी हुआ था। मोबाइल मिलने के बाद कैसा फील हो रहा है, मतलब कितनी खुशी है? अच्छा फील हो रहा है सर। वही मोबाइल है या दूसरा है? नहीं नहीं वही है सर। ऑपरेशन मुस्कान के तहत आपका मोबाइल दिया गया है, आपके चेहरे पे मुस्कान दिख रही है, लग रहा है ना? क्या हो रही है? जी सर। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें खास तौर पर जिलाधिकारी ने भागलपुर में हो रही स्मार्ट सिटी के तहत रुके कार्यों को जल्द पूरा करने, कई सरकारी भवन बनाए जाने एवं विक्रमशिला के समानांतर पुल बनने को लेकर वार्ता की। उन्होंने कहा कि विक्रमशिला पुल की समानांतर पुल बनने वाले कार्यों में बारिश के चलते काम बाधित है, जैसे ही बारिश समाप्त होती है यह काम जोर शोर से प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नौगछिया, भागलपुर, कहलगांव में कई ऐसे भवन तैयार होंगे जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कई विभाग काम करेंगे, जिससे लोगों को काम कराने में काफी सुविधा होगी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत सेन, DDC अनुराग कुमार के अलावे संबंधित विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद थे। टेक्निकल जो कमेटी, तकनीकी पदाधिकारियों के साथ हम लोगों की बैठक थी, तो जो भी बड़ी योजनाएं चल रही हैं जिले में उस पर बात हुई है। ग्रामीण कार्य विभाग की जो ग्रामीण सड़कें होती हैं, तो जो सड़क जर्जर हो गई है उसमें निविदा वगैरह भी संपन्न हो गया, जो तीनों डिवीज़न है, और जैसे ही बारिश समाप्त होगा तो उसके बाद उनकी मरम्मती का काम और जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो भी टेंडर के स्टेज में है। इसके अतिरिक्त पुल निर्माण निगम का, जैसे भोलानाथ पुल का कार्य शुरू हो गया है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी शिफ्टिंग वगैरह का होता है, नाला निर्माण का काम भी शुरू हो गया है और बारिश रुकने के इमीडिएट बाद जो है वो पाइलिंग का काम शुरू हो जाएगा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है जो बहुत सालों से पेंडिंग थी। माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2022 में जिले में आए थे तो हम लोगों के अनुरोध पर उन्होंने तत्क्षण इसकी स्वीकृति मौखिक रूप से दी थी, बाद में फिर जो है इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई विभाग के स्तर से।
तो वो काम मतलब टाइम से संपन्न होगा। इसके अतिरिक्त जो एनएच के प्रोजेक्ट्स हैं, एनएचआई के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसकी भी समीक्षा हुई है। एनएचआई के तीनों पैकेज में काम भी चल रहा है, ज़मीन की कहीं कोई समस्या नहीं है। बारिश के बाद जो है पीडी एनएचआई ने बताया है कि जो है काम में और तेज़ी आएगी। विक्रमशिला सेतु के पैरेलल पुल में भी हम लोगों ने ज़मीन दे दिया है। बीरपुर भीपुर में जो कोसी पे फोर लेन पुल बनना है उसमें भी ज़मीन की कोई इशू नहीं है, काम भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि मल्टी लेवल पार्किंग बगल में बन रहा है, तो वो बनने में तो एक महीना समय लगेगा, लेकिन चूंकि दुर्गा पूजा में पार्किंग की समस्या रहती है, तो दुर्गा पूजा में उसके निचले तल को कंप्लीट करा करके हम लोग वहाँ निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। बाद में जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो फिर जो मिनिमम शुल्क होता है वो निर्धारित करके ये सारा काम किया जाएगा। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे नया कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का काम G+5 का यहाँ होना है। नौगछिया अनुमंडल की बिल्डिंग बन गई है। इसके अतिरिक्त SDRF का सेंटर 10 करोड़ की लागत से ट्रेनिंग और उनके रेजिडेंशियल कैपेसिटी का सारा एक बड़ा सेंटर जो है वो काम अभी चल रहा है। सुल्तानगंज जो श्रावणी मेला में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, तो सर्किट हाउस का काम वहाँ चल रहा है। और इसी तरह से बहुत सारे विभागों के, सभी विभागों की उनकी जो समस्याएं थी उनके निराकरण के लिए भी संबंधित पदाधिकारी को बताया गया है और सबका रिव्यू करके हम लोग इंश्योर कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने बिहार के तमाम जिलों के RO और ARO को पटना बुलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष बैठक किया है। EVM मतदाता सूची का प्रकाशन, नए मतदाताओं को जोड़ने से जुड़े मसले पर विमर्श किया गया। अभी भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य भर के ARO को निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सच्चाई है उसमें बिहार के 18 वर्ष से अधिक 60% युवा का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है। आंकड़े की बात करें तो 18 वर्ष से 19 वर्ष के युवाओं की संख्या तकरीबन 8,97,000 है, जबकि 20 वर्ष से 29 वर्ष के युवाओं की संख्या 2,16,00,000 है। इन युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में अभी तक नहीं है। बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कुल वोटरों की संख्या 7,58,00,000 है। अगर 60% युवा वोटर का नाम मतदाता सूची में अभी तक नहीं है, तो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ऐसे युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ना भी निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती होगी। भागलपुर के कई संभावित युवा मतदाता से बात किया तो जानकारी मिली कि ऑनलाइन आवेदन किया गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। बीजेपी और जदयू के युवा नेता से बात हुई तो उनके अलग अलग राग देखने को मिले। बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम आनंद कुमार है सर। वोटर लिस्ट में नाम है आनंद जी आपका? जी नहीं है। क्या एज हो रहा है आपका लगभग? जी, मेरा एज 21 साल हो गया। तो प्रयास आपने किया कभी? जी किया हो, एक बार प्रयास किया, ऑनलाइन दिया गया था कैफे के द्वारा, मैंने ट्राई किया, लेकिन अभी तक लिस्ट पे नाम नहीं चढ़ा है। 2024 में चुनाव है तो वोट दे पाएंगे? जब लिस्ट में नाम नहीं है तो वोट कहाँ से दे पाएंगे? बता दीजिए। गुलशन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं गुलशन जी? साहेबनाथ नगर। गुड। उम्र क्या हो रही है? 21। 21 साल। 2024 में चुनाव है तो आपका वोटर लिस्ट में नाम है? नहीं। क्यों नहीं है नाम? अप्लाई किए थे, अभी तक आया नहीं है वोटर आई डी। कब अप्लाई किया आपने? लगभग एक साल हो गया। 18 साल के बाद तो हम लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन पिछले साल ही अप्लाई किए थे, अभी तक नहीं आया। कभी कहीं किसी से पूछताछ किया आपने, क्वेरी किया? नहीं, हमारे हम लोग के गांव में आता है वो वोटर लिस्ट, जब आता है इलेक्शन का टाइम आता है तो जिनका जिनका आता है उनका लेके आता है, लेकिन हम लोग का अभी तक आया नहीं। तो कैसे वोट कर पाएंगे इस बार 2024 में? तब फिर से अब ट्राई करते हैं वोटर आईडी अप्लाई करने का। यहाँ तो बहुत लड़का लोग हैं हम लोग के एज का जिसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। नाम बताइए। मेरा नाम है राजू सिंह। भागलपुर के हूँ। भागलपुर बैंक कॉलोनी। अच्छा, एज क्या हो रहा है आपका? तो देखना पड़ेगा। लम सम वही कितना 26 होता होगा। अच्छा, तो 26 साल का आप हो गए और 18 साल से उम्र है, तो अभी तक आपका वोटर आई कार्ड नहीं बना है? नहीं। आपने ट्राई तो किया होगा कई बार? ट्राई किए हैं लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो भाई 18 है, लोग भी सोचते हैं कि वोट दें। हाँ। अच्छा वो। हाँ। लेकिन वोटर आई कार्ड ही नहीं बना? नहीं बना अभी तक। तो फिर 2024 भी आपका छूट जाएगा? अब देखिए, आ जाएगा तो अच्छा बात है। कहाँ घर है? आदमपुर। पागलपुर। वोटर लिस्ट में नाम है आपका? नहीं, नाम नहीं है। उम्र क्या हो गया? उम्र मेरा 19 हुआ। तो आपने कभी प्रयास किया कि वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए? नहीं, प्रयास तो कभी नहीं किया। घर पे कोई आया? घर पे भी नहीं आया कोई। घर वाला कोई बोला? नहीं, घर वाला बोला मतलब अपने से कभी। हाँ। नहीं किया। आप करेंगे? देखेंगे, होगा तो करेंगे। क्यों ऐसा सोच रहे हैं?
क्या मतलब कोई फायदा है नहीं किसी को वोट करने से? और युवाओं के मन में ऐसी बात क्यों? आप तो यूथ हैं, आप ही का भविष्य है, आने वाला समय आपका है। कोई नेता सही रहेगा तब ना। जी मेरा नाम आकाश कुमार हुआ और 20 साल का हूँ अभी। मेरा भी वही सेम प्रोसेस में है, लेकिन अभी तक आगे का अपडेट अभी तक आया नहीं। ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ। कभी आपने क्वेरी किया कहीं कि भाई मेरा कहे नहीं हो रहा है? क्वेरी किया है, ऐसा नहीं क्वेरी नहीं किया, लेकिन हाँ रिक्वायरी नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए मेरा भागलपुर जिला में जहाँ पे भी घर है उधर जाके क्वेरी किया तो बोला पेंडिंग में है, अब फिर से क्वेरी करूँगा। अप्लाई किया हुआ है मेरा भी। 2024 में वोट कैसे देंगे फिर? देखिए जब अप्रूव हो गया तो उसके ऊपर है, नहीं तो फिर से रीअप्लाई करके ना लगना पड़ेगा। दादी जी राजा कुमार। कहाँ घर है? घर आदमपुर। अच्छा, उम्र क्या हो रही है आपकी? 20 साल। वोटर लिस्ट में आपका नाम है? नहीं। कभी आपने प्रयास किया? नहीं, हमने प्रयास नहीं किया। कोई घर पे आया पूछने के लिए भाई वोटर लिस्ट में बनाइए? नहीं, ये भी नहीं हुआ है। तब वोट आ रहा है 2024 में, दे पाएंगे? अब तो बनेगा ही, तभी तो। अब तो ऑनलाइन भी बन रहा है। ऑनलाइन देखिए, इसमें बिहार सरकार का सबसे बड़ा नाकामी है, या इसको कह सकते हैं कि साजिश है, क्योंकि बिहार सरकार ये जान रही है कि जो 18 साल से 25 साल के युवा हैं, 27 साल तक के जो युवा हैं, वो मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं, और युवाओं में एक मोदी जी का एक फ़ैन का बहुत बड़ा ग्रुप है। 90% मैं बोल सकता हूँ, 95% युवा मोदी जी को पसंद करते हैं। तो बिहार की जो सरकार है वो ये करने और कराने के विषय के पीछे यही कारण है कि मोदी जी का वोट संख्या बढ़ेगा और 2024 और 25 में बीजेपी एक प्रचंड वोट से जीतेगी, इस कारण से वो इस काम को धीमी गति से रखी हुई है। आप इससे भी अनुमान कर सकते हैं कि के पाठक जी अपने 2 महीने पहले ज्वाइन किए हैं शिक्षा विभाग में, और वो एक तुकलक टाइप का एक मतलब एकदम डोमिनेटिंग टाइप का ऑर्डर हमेशा निकालते हैं, और वो हर काम में ये जो वोटर वाले काम होते थे उसमें शिक्षक की इन्वॉल्वमेंट होती थी, मगर उनके इस तरह के फरमानों से शिक्षक जो है वो इन कामों को करने में एकदम अब इच्छा प्रकट नहीं करते और काम नहीं करना चाहते, जिस कारण से यह गति बढ़ने में बहुत ही दिक्कत है। देखिए मैं तो लगातार मांग कर ही रहा हूँ जो एजेंसी है स्वीप एजेंसी उससे, कि युवाओं का जो सुनिश्चित किया जाए मतदाता सूची में, आज भी जो 60% युवा का वोट वंचित है, ये साजिश है केंद्र सरकार का, और किसी न किसी तरह घबरा गए हैं ये जो युवा मतदाता हैं। ये जो आगामी चुनाव होगा उसमें माननीय नीतीश कुमार और माननीय लालू प्रसाद यादव जी के अध्यक्षता में नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना है, और पूरे 33 वर्षों से बिहार में जो काम हुआ है उस काम को देखते हुए जो युवा इसके प्रभावित हैं नीतीश कुमार जी से और माननीय लालू प्रसाद यादव जी से, इस बात को लेकर घबरा के साजिश के तहत 60% युवाओं को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूँ चुनाव आयोग से अविलंब चुनाव के पहले मतदाता सूची में युवाओं की सूची सुनिश्चित की जाए, उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। भागलपुर की जगदीशपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पानी घुस जाने से विद्यालय की छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कस्तूरबा विद्यालय के निचले तल के सभी कमरों में तथा किचन में बारिश का पानी प्रवेश कर गया, जिससे यहां आने जाने खाना बनाने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं छात्राएं इस स्थिति में काफी डरी हुई है। छात्राओं का कहना है कि कमरे में पानी के साथ साथ सांप बिच्छू भी प्रवेश कर रहा है, जिससे हम लोगों को काफी डर लगता है। जल जमाव के कारण छात्राएं डेंगू से भी डरी हुई है, और सबसे अधिक तो परेशानी इस बात की है कि जल जमाव के कारण चापा कल एवं बोरिंग से गंदा पानी निकल रहा है, जो पानी बिल्कुल पीने योग्य नहीं है। कुछ छात्राएं बीमार भी पड़ चुकी हैं। विद्यालय की प्रभारी वार्डन सरिता कुमारी ने बताया कि पानी निकासी का कोई आसार नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस नाले से पानी निकलना था इस ओर अभी तक किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं गया है। इस स्थिति में सभी छात्राएं डरी व सहमी हुई है, कई छात्राएं बीमार भी पड़ चुकी है। प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय प्रांगण में भी पानी प्रवेश कर गया है, जिससे वहां पढ़ने वाली छात्राओं को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल चौक से विद्यालय तक जाने वाले रास्तों में भी घुटनों से ऊपर पानी बह रहा है। इसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि नाले पर अतिक्रमण कर लिया गया है, अंचलाधिकारी द्वारा नोटिस देकर उसे खाली कराया जाएगा।
मेरा नाम शिवानी कुमारी, मैं वर्ग 10th की छात्रा हूँ। मैं KGBV टाइप 4 जगदीशपुर में पढ़ती हूँ। यहाँ पे पानी जमाव के कारण चूल्हा के पास भी पानी आ गया और किचन में पानी घुस गया है, जिसके कारण यहाँ पे खाना बनाने में काफ़ी दिक्कत होता है। और हम लोग को पानी में भी आने जाने के कारण हम लोग का तबीयत भी बिगड़ता जा रहा है। रूम में सांप बिच्छू निकल रहा है, यहाँ पे बहुत डर लगता है रहने में। थाली उली भी धोने भी नहीं बनता है, और कपड़ा में वरंडा पे ऊपर नीचे सगरे चारों ओर पानी जमा होने के कारण हम लोग को मतलब हम लोग का तबीयत खराब होता है। स्कूल जाने आने में परेशानी होता है, डर लगता है। रूम साफ सफाई स्कूल में भी पानी है? हाँ, स्कूल में भी पानी है। स्कूल में साफ मतलब यहाँ रूम सफाई जाम है, नाली जाम है, और रूम सफाई करने के समय बिच्छू निकला था। यहाँ पे सांप भी निकले, कोई नहीं आया। कोई अधिकारी सब नहीं, कोई नहीं आए। और यहाँ पे थाली वाली धोने के लिए पानी में जाने के कारण हम लोग का तबीयत खराब होता है। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, KGBV जगदेशपुर टाइप 4 में रहती हूँ। यहाँ पानी का बहुत ही समस्या है, और यहाँ रात में और नीचे रहते हैं। यहाँ सांप सबसे बहुत डर लगता है। नल से गंदा पानी निकलने लगा, पानी जमा के कारण, और आने जाने में तबीयत खराब हो जाता है, और खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है। KGBV टाइप 4 जगदीशपुर की प्रभारी वार्डन सरिता कुमारी हूँ। यहाँ बरसात के पानी के कारण चारों ओर परिसर में पानी डूब गया है, जिसके कारण से जो है ना सांप निकल रहा है, बिच्छू निकल रहा है, बच्ची डरी हुई है, सहमी हुई है। पानी का निकासी नहीं है, जहाँ पे नाला बड़ा ऐसा है वहाँ पे जो है ना झुग बन गया है, जिसके कारण से पानी निकासी का कोई भी उपाय नहीं है। भागलपुर में राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन दिवस पर एक और खास उपलब्धि मिली। भारतीय डाक विभाग ने विलुप्त हो रही गरुड़ प्रजाति के पक्षी के नाम पर लिफाफा आमजनों के इस्तेमाल के लिए जारी किया। भागलपुर के सुंदर वन में डाक विभाग के अधिकारी मनोज कुमार, भागलपुर के DM सुब्रत सेन, SSP आनंद कुमार, वन विभाग के अधिकारी भरत चिंतापल्ली, IUCN के अरविंद मिश्रा समेत कई गणमान्य पर्यावरणविदों ने गरुड़ को लिफाफे में बंद किया। लिफाफे में गरुड़ का मतलब है कि भागलपुर के कोसी और गंगा के कछारी इलाकों में अब असम और कंबोडिया के बाद सबसे ज्यादा बड़े गरुड़ की प्रजाति का बसेरा है और प्रजनन स्थल ही है। इलाकाई लोगों और जागरूक पर्यावरणविदों के बूते गरुड़ों की संख्या 500 से ज्यादा हो चली है।